हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। माय नेम इज अशोक मसी। टुडे माय टॉपिक इज वेरिएशंस ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो जावा में होता है, जो एंट्री पॉइंट तरह से यूज किया जाता है। अभी अगर आप मेरे वीडियोस तो पहले में देखोगे तो उसमें भी मैंने डिफाइन किया है, ओवरलोडिंग के मेथड में भी इसको, मेन मेथड को डिफाइन किया गया है, उसमें आप भी विजिट कर सकते हो। तो इस मेन मेथड को जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, इसमें देखेंगे और कितनी तरह के वेरिएशंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि क्या ये मेन मेथड कंपलसरी होता है जावा के अंदर या फिर नहीं होता है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेन मेथड क्या जावा के अंदर कंपलसरी है और नहीं कंपलसरी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जेडीके 7 जहां पे आप देखोगे कि वर्जन हमारा जेडीके का 7 है या फिर उससे अपडेटेड फॉर्मेट का आप वर्जन यूज कर रहे हो, वहां पे मेन मेथड कंपलसरी हो गया है। लेकिन अगर हमारे पास जेडीके 7 से ब्लो है, यानी कि 6 है या फिर 6 पॉइंट कुछ वर्जन में है, उससे भी प्रीवियस का वर्जन है, तो फिर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज थी कि आप पूरे के पूरे मेन मेथड को रिमूव कर सकते थे और बिना मेन मेथड के भी अपने सारे काम परफॉर्म कर सकते स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, क्योंकि स्टैटिक में आपको ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हो, इजीली आप उससे सारा काम परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या मेन मेथड कंपलसरी है। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। क्लियर कट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जेडीके 7 की अगर बात की बात करें, 7 और 7 की बात करें तो फिर कंपलसरी है, लेकिन अगर इससे पहले वाले वर्जन की बात करें तो फिर आप इसमें उसको हटा भी सकते थे, कोई कंपलसरी नहीं था। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो जेडीके 7 की बात की जा रही है, अगर आप जेडीके 7 के बेस पर रन करा तो कंपाइलर चेक करेगा कि अगर वो मेन मेथड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर मेन मेथड नहीं एग्जिस्ट करता है तो उस पर रिलेवेंट एक एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये प्रोग्राम रन नहीं कर सकता, फिर प्लीज उसको मेन मेथड को आप दोबारा से डिफाइन कीजिए। तो आइए चलिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ये जो मेन मेथड की बात की जा रही है, इस मेन मेथड का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर आगे रन करते हैं इसको कि क्या ये रन कर रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने एक काम कर लिया, पहले इसको हम खोल लें ताकि हमारे पास मेन मेथड इजीली रन करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम कुछ मीनिंगफुल कंटेंट भी डाल लें ताकि आपको ऐसा लगेगा। स्टैटिक ब्लॉक, और नीचे वाले में भी आ जाते हैं। This is your ये एक हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक आ गया और ये हमने मेन ब्लॉक के लिए लिया क्योंकि हमारे पास ए नाम का हमने क्लास लिया है, तो इसी से हमें सेव भी करना पड़ेगा फाइल को अपनी। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव, तो इसलिए हमने वहां पे भी फाइल हमारी कैपिटल ए में थी तो यहाँ पे भी हमने कैपिटल ए के नाम से ही सेव कर ली है। तो यहाँ पे आते हैं जावा सी ए डॉट ये देखिए हमारे पास, हमने जैसे ही कंपाइल कर दिया तो स्टैटिक ब्लॉक और दोनों ही कंटेंट लिख के चले आए हैं, क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी स्टैटिक ब्लॉक में है। तो इस स्टैटिक ब्लॉक में क्या मेंशन किया जा रहा है, थोड़ा मैनेज कर दे ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। स्टैटिक ब्लॉक केवल कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया है, और दूसरे वाले में जिसमें है इसमें दिस इज द मेन ब्लॉक, और दूसरे में दिस इज द मेन ब्लॉक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस इज द मेन ब्लॉक मेंशन किया गया है, तो उसका भी आउटपुट सेम एज इट इज आया है, दिस इज द मेन ब्लॉक। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक के साथ हमने यूज किया तो इजिली रन किया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये था कि क्या अगर हमारे पास वर्जन जो है इसका जावा का वो 7 या फिर उससे प्लस में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, तो फिर हम एक काम करते हैं, अपने मेन मेथड को स्टॉप कर देते हैं और फिर इसको सेव करके रन कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रन कराएंगे
तो वो हमारे पास पहले ही से हमने ऑलरेडी बोल रखा है आपको कि इस तरह का वो एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि ये रन नहीं हो सकता। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने रन कराया है, कंपाइल की बात नहीं कर रहे हैं, रन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमने रन कराया है तो मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए। क्लियर कट, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा जूम करके देख लीजिए, मेन मेथड इज नॉट फाउंड इन क्लास ए। है ना, तो यहाँ पे इस तरह का ध्यान रखिएगा कि अगर जेडीके 7 के प्लस में आप यूज करो तो इस तरह के एरर मैसेज आना चालू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये चीज यूज नहीं कर सकते कि मेन मेथड को कंप्लीट रूप से बता दें। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि मेन मेथड के अंदर हम बिना कॉलिंग के, बिना लिखे ही कोई ऐसी चीज जो आप ऊपर से कॉल करो, स्टैटिक मेथड की हेल्प से आप कॉल कर रन करा सकते हो। जैसे आपने इसमें देखा था कि हमने यहाँ से इस स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं किया था, क्योंकि स्टैटिक की खुद ही अपनी प्रॉपर्टीज होती है ताकि वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है हर कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी में ही आपने आगे देखा लीगल मॉडिफिकेशन इन मेन। जो हमारे पास बेसिक मॉडिफिकेशन हम जो कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, ढेर सारे मॉडिफिकेशन होते हैं जो हम लोगों को ज्यादातर पता नहीं होते हैं। एक डिफॉल्ट जो हम लोग जानते ही है, जो अभी हम लोगों ने देखा भी है, उसमें कुछ और नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ARGS और ब्रैकेट। तो इसको हम अलग से भी रन नहीं करा रहे प्रोग्राम, क्योंकि बेसिक है, हर प्रोग्राम में हम लोग ये काम करते ही करते हैं। तो इस प्रोग्राम में ये वाला हमारा एज इट इज रहता है। तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है और मेन क्या है, और साथ ही साथ स्ट्रिंग का जो एरे है उसकी बात करते हैं। बहुत शॉर्ट में समझेंगे, पब्लिक यानी कि JVM कैन एक्सिक्यूट द मेथड फ्रॉम एनीवेयर। JVM इस मेथड को कहीं से भी रन करा सकता है, इसलिए हम पब्लिक को डिफाइन करते हैं। जहां पे जिसको हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम स्टैटिक का यूज करते हैं, यानी कि मेन मेथड कैन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट। जब आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो तो वही मेन मेथड। तो ऑटोमेटिकली इसको एंट्री पॉइंट बनाया तो कंपाइलर इसको सर्च करता हुआ आता कौन सा मेन मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो मेन मेथड को ढूंढता है, उसमें एंट्री करता है, वहीं से रन कराता है। कोई भी चीज जब आप रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो फिर वॉइड देते हैं। तो मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो फिर रिटर्न टाइप मेन तो कौन सा होता है, वॉइड हम रख लेते हैं। और एक नेमिंग कन्वेंशन प्रोवाइड किया गया है तो फिर हम कॉन्फिगर करते हैं नेम कॉन्फिगर इन JVM। तो हमने मेन ही एक ऐसा कीवर्ड रख दिया, वैसे तो रखने को कुछ भी रखा जा चुका है, तो फिर मेन रखा गया कीवर्ड कुछ और नहीं है, ये JVM इसको रिकॉग्नाइज करता कि मेन होना चाहिए इसी तरह से लिखा हुआ। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग का, बात करते हैं। एक्सेप्ट द कमांड लाइन आर्गुमेंट, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे इंटीजर हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी जिस प्रोग्राम की डिमांड पे रहता है कि आप स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या फिर कोई और कीवर्ड यूज कर सकते हो। इनके बेस पे आप कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हो। हाँ, आज के टाइम में हम लोग कमांड लाइन थोड़ा सा बहुत कम देखने को मिल गया, डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। पहले के टाइम पे कमांड लाइन बहुत ज्यादा चलता था, जहाँ से हम लोग यूज करते थे, क्योंकि इस समय स्कैनर बहुत सारे इनपुट लेने के बहुत इजी और फास्ट ट्रैक के पैटर्न है, इसलिए कमांड लाइन थोड़ा सा कम यूज होता है। नहीं तो हम लोग पहले बहुत ज्यादा कमांड लाइन का यूज करते थे। चलिए आगे देखते हैं, जिसकी हम मेन बात कर रहे हैं कि हम ऑर्डरों में वेरिएशन कर सकते हैं। बहुत बेसिक वेरिएशन है यहाँ पे, ये देखिए आप, पब्लिक हम यूज करते थे पब्लिक स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है स्टैटिक को अलग कर दिया है, पब्लिक को बाद में कर दिया है। तो अगर आप इस तरह का वेरिएशंस करके भी यूज करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे कहा गया है कि पब्लिक को हमने यहाँ से हटा दिया था, कट कर दिया, और स्टैटिक के बाद मेंशन कर दिया है, तो क्या कोई एरर आएगी। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, अगर हमारा ये प्रोग्राम सेव करने के बाद भी रन किया इसका मतलब हम ये काम कर सकते हैं। वैसे हाँ, हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, नॉर्मली ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। ये देखिए जो हमारे पहले आउटपुट आया तो वही आउटपुट आ रहा है। क्यों आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा गया है कि हमारे ये कीवर्ड होने चाहिए, पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड होना चाहिए, इनका कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप किसी भी ऑर्डर में पहले स्टैटिक लिख सकते हो, फिर आप पब्लिक लिख सकते हो, पहले पब्लिक लिख सकते हो, स्टैटिक लिख सकते हो, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इजिली इनका यूज किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। चलिए इसी में एक और चीज देखते हैं, जो हमारे पास
स्ट्रिंग ARGS होता है उसमें बहुत सारे हम वेरिएशंस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ARGS के वेरिएशंस को भी करके देखेंगे, उनको समझेंगे कि वहाँ पे वेरिएशंस में कोई क्या फर्क होता है या फिर नहीं फर्क पड़ता है। इसमें एक चीज और बढ़ गई है, यहाँ पे आप देख ही रहोगे स्क्वायर ब्रैकेट की जो आप पोजिशन आते हैं उनमें आप कोई पोजिशन रख लो उसमें कोई इशूज नहीं होता। इसमें जो आपसे ज्यादातर एग्जामिनर या फिर वाइवा लेने वाला या फिर कहीं पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार इस तरह का आता है, आपको 3 डॉट्स भी दे देते हैं, वो पूछते हैं इसकी मीनिंग क्या है और क्यों यू यूज करते हो। फ्रेंड्स इसमें इश्यूज नहीं है, अभी हम इसको प्रोग्राम के साथ में आज इस 3 डॉट्स की भी मीनिंग बताएंगे जो आप अपने स्ट्रिंग के ठीक बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं वैर VAR ARGS यानी कि वैर ARGS यानी कि वैर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम पहले नॉर्मली अपने जो प्रोग्राम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS ये होता है हमारे पास। अगर हम इसके वेरिएशंस को देखते हैं तो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यहाँ से हटा के हमारे पास जो था उसको हमने एरे को इधर लगा दिया गया है। तो आइए हम अपने इस तरह के वेरिएशंस करके भी देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास देखिए एक ब्रैकेट इधर वाला लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को हम डिलीट कर देते हैं और इस ब्रैकेट को हम अपने स्ट्रिंग के साथ में अटैच कर लेते हैं। फाइल को सेव करते हैं और रन कराते हैं। क्या अगर इस तरह का वेरिएशंस हमारे पास अलाउ होगा तभी हम इस फाइल को रन करा पाएंगे, नहीं तो भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारे पास इजीली रन किया गया, मीनिंग कि इन्होंने कहा है कि इस तरह के भी आप वेरिएशंस कर सकते हो। इसको यहाँ से आप हटा के वापस यहाँ से भी हमने कट कर लिया है और इस वाले पार्ट के एरे से पहले वाले में भी डिफाइन कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं किया गया है। आप किसी भी तरह से इनमें कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो और इन सब का एक ही टारगेट होता है कि कमांड लाइन से इनपुट लेना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप लिखने का कोई भी पैटर्न यूज कर लो, इन सब में कोई इश्यूज नहीं आएगा। यानी कि ये वाला भी प्रोग्राम जो आप इस तरह से मेंशन करके लिख सकते हो और स्ट्रिंग को इस तरह से मेंशन कर सकते हो, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज नहीं आने वाला है। तो चाहे आप हमारी ये वाली फाइल ले रहे हैं या फिर हमने एक ही प्रोग्राम में उसको वेरिएशन कर दिया। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को जिसको हम बोल रहे थे 3 पीरियड्स की बात यानी कि 3 डॉट्स की बात की जा रही है, उनको समझ लेंगे क्या कर रहे हैं और क्या चीज होती है। From JDK 5, Java has introduced the features that simplify the declaring of method that need to take variables number of argument. देखिए यहाँ पे क्लियर कर कहा है variables number of argument, यानी कि number of argument को accept करने के लिए एक variable होना चाहिए। कुछ इस तरह का need आई थी और उसके लिए ये बनाया गया था 3 डॉट, और इसको हमने 3 डॉट को नाम दिया गया था। This feature is called VAR ARGS। यही जो 3 डॉट्स वाला है इसको हमने VAR ARGS का नाम दिया था। इन ये जो शॉर्ट फॉर्म आता है वो किसका शॉर्ट फॉर्म आता है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इसी को हम क्या कुल फॉर्म में क्या कहते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, जो हम VAR ARGS के फॉर्मेट में यूज कर रहे होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं 3 पीरियड्स। 3 पीरियड यानी कि 3 डॉट्स अप्लाई कर देते हैं, वो हमारे पास 3 पीरियड की तरह से ट्रीट किया जाते हैं। एक इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस लाइन को समझ लेंगे तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इम्प्लिसिटली डिक्लेयर एज एन एरे, एक्सप्लिसिटली क्या होता है, एक्सप्लिसिटली यानी कि जो हम लोग इस कर्ली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो ब्रैकेट दिखाते हैं एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर होता है एरे का। और जहाँ पे 3 डॉट यानी कि हम उसको डायरेक्टली शो नहीं कर रहे थे कि एरे है, लेकिन ये ओरिजिनली होता एरे ही है। यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमने काम वही किया लेकिन तरीका थोड़ा सा अपना बदल दिया है, 3 डॉट्स लगा दिया जो हमारे पास पहले स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम यूज करते थे। तो इन डॉटों को भी हम अपने प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं क्या ये वाला वर्क हमारे पास यूज हो रहा है हमारे प्रोग्राम में या फिर नहीं। हमने कहा क्या कि हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट, इसको हटा देंगे और 1, 2 और 3 3 डॉट्स लगा दिए हैं। क्या गलती से एंटर प्रेस हो गया शायद, सेव कर लेते हैं, रन करा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड नॉर्मली हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है, यानी कि 3 डॉट्स लगाने से भी हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आई।
हाँ, इस तीन डॉट्स को और समझने के लिए एक और मेरे सामने प्रोग्राम बना रखा है, ताकि ये तीन डॉट्स की आपकी जो कन्फ्यूजन की अभी मीनिंग आपको मैं थोड़ी सी हो सकता क्लियर ना हो रही हो, तो प्रैक्टिकली हम इसको और देखेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको इसको समझाने के लिए और बनाया है, जिसको भी हम एक बार रन करा के देखते हैं क्या ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा। अगर ये वाला आपको प्रोग्राम क्लियर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा कि आपको इस थ्री डॉट्स का कॉन्सेप्ट और शायद आगे फर्दर आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे जब आपसे कभी पूछा जाएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम को देख लेते हैं, इसमें किया क्या जा रहा है, फिर इसको हम आगे रन करा के देखेंगे। क्लास डॉट थ्री अंडरस्कोर टू सेकंड वाला है, तो तीसरे का तो सेकंड वाला आपको ले लिया है, तीन डॉट का है तो थ्री हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है था। अब इसके आगे इसके बाद हमने क्या किया, स्टैटिक वाइड फन वन, एक हमने फन वन का नाम लिया है, यानी कि हमारे पास एक मेथड हमने डिक्लेयर किया जो स्टैटिक टाइप का है। स्टैटिक टाइप के फायदा क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। इसके बाद इंट और तीन डॉट प्रोवाइड किए, वहां पे ध्यान दिए तो हमने यहाँ पे आप ARGS के आगे तीन डॉट लगाए थे, उसी की मीनिंग हम यहाँ पे आपको नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीन डॉट की ओरिजिनल मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव और जो भी हमारे पास आएगा आर्ग्यूमेंट उसकी लेंथ बता देगा, ए डॉट लेंथ निकालेगा, यानी कि अगर एरे होगा तो इजिली लेंथ निकाल के आपको प्रिंट करके बता देगा क्या लेंथ है जो एरे आया है। इसके बाद जो हमारे पास एक छोटा सा अच्छा सा फॉर लूप होता है, यानी कि फॉर लूप को आप दो तरह से जानते होंगे, एक तो वो जो ट्रेडिशनल पैटर्न था फॉर लूप का, दूसरा ये वाला फॉर्मेट, यानी कि एरे जब तक आपका नल ना हो जाएगा वन बाय वन एक एक वैल्यूज निकालता जाएगा और आई के अंदर स्टोर करता जाएगा और फिर हम इसको आई को हम इजिली प्रिंट करा सकते हैं। तो वन बाय वन जब तक कि एम्प्टी ना हो जाए ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, इसको हमें कलर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसमें हमें कंडीशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वन की वैल्यूज निकलती जाएंगी और आई के अंदर वन बाय वन स्टोर करती जाएंगी और यहाँ से वैल्यू के बाद प्रिंट करा सकते हो। अब फ्रेंड हम इसमें यहाँ पे देखते हैं, हमने सेम इसी एक फंक्शन को फोर टाइम्स कॉल किया है, एक बार विदाउट पैरामीटर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, फिर उसको प्रिंट कराने की कोशिश की है, उसके बाद हमने एक बार 20 की वैल्यू दी है फिर प्रिंट कराया, उसके बाद टू वैल्यूज पास की है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज प्रोवाइड किए फिर रन कराया है। चलिए फ्रेंड इसको सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट किस तरह का आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला वाला हमारे पास जिसमें आर्ग्यूमेंट हमने क्या कहा था पास नहीं किया है, इस वाले फंक्शन में हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था, तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आया इसमें, जीरो। सेकंड वाले में 20 पास किया था तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, वन। फिर हमने थर्ड वाले में आप देखिए तो हमने टू पैरामीटर्स पास किए थे, तो टू पैरामीटर्स की बेस पे इन्होंने लेंथ क्या दी, टू। ये विजिबिलिटी में आ रहा होगा शायद आपको, सबकी वैल्यूज भी वो डिस्प्ले करता जा रहा है। और फाइनली 6 तक की, यानी कि इसमें 6 पैरामीटर पास किए थे तो यहाँ पे आई वैल्यू 6 और 6 वैल्यूज को सबको उसने डिस्प्ले कर दिया है। थोड़ा सा लार्ज करके देख लीजिए, पहले वाले का 0 आया था, सेकंड वाले में यानी कि एक पैरामीटर पास किया था तो 1 वैल्यू डिस्प्ले की और वैल्यू भी डिस्प्ले कर दिया 20। सेकंड वाले में 2 वैल्यूज आई और दोनों की वैल्यूज ये डिस्प्ले आई है। थर्ड वाले में 6 पैरामीटर पास किए थे वो लेंथ प्रोवाइड कर दी और 6 की 6 जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी थी उनकी वैल्यूज को भी इसने इजिली डिस्प्ले कर दिया है ना। तो इसमें कोई आपका इश्यूज नहीं आएगा, आप इजिली इस प्रोग्राम को समझ सकते हो कि आपने किया क्या है, कि आपका कुछ और नहीं होगा, जो भी मेथड आ रहा है वन बाय वन जा रहा है, यहाँ से उठाया इसकी वैल्यूज इसमें गई और उनकी लेंथ निकाली गई, फिर उसको प्रिंट करा दी गया। फिर सेकेंड टाइम में जैसे ही कॉल हुआ ऑटोमेटिकली इसमें एरे था, एरे की वजह से 20 स्टोर हो गया, फिर उसको प्रिंट करा के बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में 2 वैल्यू गई तो सेम एरे होने की वजह से इंडेक्सिंग यूज इंटरनल हो रही है, तो उसके पास 1 वैल्यूज और 2 वैल्यूज स्टोर कर सकता था, दोनों वैल्यूज स्टोर की और इसी तरह से ठीक
सिक्स वैल्यू को भी शुक्र है, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आप डायरेक्टली स्टोर करा सकते हो फिर फर्दर यूज कर सकते हो। अगर यही काम आप ARGS से कर रहे हो तो कमांड लाइन से आप n नंबर ऑफ इनपुट ले सकते हो, वहां पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई किया गया है, आप इजीली नंबर ऑफ इनपुट लेके फिर फर्दर उसका यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसी के आगे एक और बढ़ते हैं, फाइनल मॉडिफायर्स, यानी कि आप इजीली जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, फाइनल का भी यूज आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इजीली आप फाइनल को भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसी फाइनल को हम कहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, हमसे कहाँ कहाँ गया है, इन्होंने कहा स्ट्रिंग से पहले आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो हम स्ट्रिंग से पहले इसी प्रोग्राम में अप्लाई करके देख लेते हैं। फाइनल को हमने अप्लाई कर दिया, सेव कर दिया और फिर फर्दर रन करा के देखते हैं क्या ये हमारा फाइनल रन करेगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, बिना इश्यूज के ये फाइनल कीवर्ड लिखने के बाद भी रन कर गया है। हाँ, फाइनल को ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अपने माइंड में मेकअप रखिएगा कि अगर आपने फाइनल ले दिया है तो एक बार जितनी वैल्यूज आपने असाइन कर दी वो दोबारा से उनको रीअसाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनल वैल्यूज है, एक ही बार असाइन करोगे हर बार जितनी बार असाइन कर रहे हो, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम कॉल करो तो एन नंबर ऑफ टाइम यूनिक वैल्यूज आ रही है, उन जो वैल्यूज एक बार असाइन कर देंगे फिर उनमें वेरिएशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइनल कीवर्ड्स लगाना पड़ेगा, और आप इस फाइनल कीवर्ड को आप यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले भी लगा सकते हो, और अभी हम नेक्स्ट वाला प्रोग्राम आपको दिखाएंगे वो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में भी फाइनल का वेरिएशन यूज कर सकते हैं। जिनकी हम बात करते हैं वो देखिए यहाँ पे आ गया फाइनल, हमने कीवर्ड पब्लिक के बाद फाइनल अप्लाई कर दिया है, जिसमें हम जिसका वेरिएशन हम इजीली देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम इतनी देर से हैं तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि फाइनल क्या वर्क करेगा। ये हमारा कॉपी, इस कॉपी करने से हमारा थोड़ा सा समय बच जाता है टाइपिंग का, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। फाइनल वन डॉट जावा नाम से हमने सेव कर लिया है इसको। फ्रेंड देखिए, इसमें ज्यादा कुछ हमने नहीं लिखा है फाइनल के लिए, इसमें सिर्फ मेंशन कर दिया कि पब्लिक फाइनल स्टैटिक मेन, और उसके बाद फाइनल्स की जो मीनिंग होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लास्ट तक आप चले जाइए, कुछ और नहीं मेंशन किया गया, बस इसको प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। फाइनल नाम को हमने सेव कर लिया था, तो सेव करने के बाद आगे हम रन कराएंगे। ये देखिए वैल्यू, द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई इन द फ्यूचर ऑफ द मेन मेथड, यानी कि मेन मेथड की वैल्यू फिर आप फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो अगर आपने इस फाइनल कीवर्ड का यूज कर लिया है अपने मेन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मेन में इस फाइनल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आप फर्दर मेन के अंदर जितनी वैल्यूज आपने असाइन की है फिर उनको फर्दर आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादातर अवॉइड कीजिएगा। लेकिन जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हैं। इसी तरह का एक और मॉडिफिकेशन है सिंक्रोनाइज्ड, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा मॉडिफिकेशन है सिंक्रोनाइज्ड, सेम आप उसी में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो फाइनल के को प्लेस रिप्लेस करके। और सिंक्रोनाइज्ड का फायदा क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड हम जब भी यूज करते हैं तो सिंक्रोनाइज्ड हमारा मल्टी थ्रेडिंग, आपने अगर आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा तो उसमें ही समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल इसको रन करा के दिखाएंगे कि हाँ हो रहा है, क्योंकि मल्टीथ्रेडिंग पढ़ा नहीं रहे। जब भी एक या एक से ज्यादा थ्रेड्स होते हैं तब आप सिंक्रोनाइज यूज कर लेते हो तो फिर टाइमिंग जो उसमें होती है वो इजिली मैनेज हो रही होती, नहीं तो फिर मेन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर रहा होता, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता। लेकिन अगर हम सिंक्रोनाइज थर्ड का यूज कर लेते हैं तो अगर हम सिंक्रोनाइज का यूज कर लेते हैं तो फिर हम इजिली इसको मैनेज कर सकते हैं अपने एन नंबर ऑफ मेथड्स को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने सिंक्रोनाइज का यूज करने के बाद इसको रन कराया है और बिना इश्यूज के कोई रन इश्यूज नहीं आया और इजिली हमारा ये प्रोग्राम भी रन करा, यानी कि आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड इजिली यूज कर सकते हो अपने मेन मेथड में। आज तक शायद आपने इतने ध्यान ना दिया हो कि इस तरह के वेरिएशन भी
एग्जिस्ट करते हैं हमारे मेन के अंदर। अच्छा ओवरलोडिंग मेन, हाँ फ्रेंड ध्यान रखिएगा मैंने ऑलरेडी एक और भी वीडियो बना रखा है जो ओवरलोडिंग से रिलेटेड है, तो कोई इश्यूज नहीं है, आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे हम शॉर्ट में इस ओवरलोडिंग को समझाएंगे, वहाँ पे हमने डीप में और अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास ओवरलोडिंग मेथड्स होते हैं जिनको आप किस तरह से फर्दर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ओवरलोडिंग को भी है, लेकिन ओवरलोडिंग को हम मूव करने से पहले ओवरलोडिंग को आपको पहले समझाएं, ये भी बता दें कि यहाँ पे हमने जो कीवर्ड्स की भी बात की जा रही थी ये वाले, इनमें के बाद के इसके बाद भी हमारे पास एक आध और ऑप्शंस होते हैं, सिंक्रोनाइज भी हमारे पास और एक आध ऑप्शंस होते हैं जिनका भी आप फर्दर अगर यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप फटाफट आप देख लेते हैं ओवरलोडिंग क्या इसमें परफॉर्म की जा सकती है। हाँ इजिली आप ओवरलोड कर सकते हो, इससे पहले वाले इसके में आपको इसी वीडियो में इसका लिंक भी मिल जाएगा जिनमें हमने ओवरलोड मेथड किए हैं उनके हमने लिंक भी डाल दिए हैं, तो आप वहां से वो लिंक पिक कर सकते हो और वहां से इसकी ओवरलोडिंग की फंक्शनलिटी और अच्छे से देख सकते हो। मेन मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमने सेव कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड स्ट्रिंग args इन मेन, स्ट्रिंग args इन मेन इजीली ओवरलोड करने के बाद भी यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मेथड लिखा हुआ है, उसके बाद भी हमने इजीली स्ट्रिंग args को ओवरलोड कर रखा है, तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएगा। हाँ आगे आपको और ये समझना होगा कि अगर हमारे पास हमने कहा है कि अभी आपकी ये डिमांड आएगी कि हमने एक मेथड बता दिया है इस मेथड को कॉल नहीं किया हुआ, तो हाँ आप मेरे दूसरे वीडियोस भी प्रिफर कर सकते हो क्योंकि अभी मैं वेरिएशंस पे हूँ और उसके छोटे छोटे टाइप्स बता रहे हैं, तो इसमें हम इतने ही रखते हैं। अगर इसके दूसरे लिंक में आप चले जाओगे तो इसपे कई तरह से इसको सारे मेथड्स को आप कैसे कॉल करते हो कैसे नहीं करते हो वो भी मैंने बताया हुआ है, आप उन मेथड्स को भी प्रिफर कर लोगे, सॉरी उन पूरे हमारे लेक्चर्स को भी प्रिफर कर लेंगे, तो आपको किस तरह से मल्टी थ्रो मेन को कॉल करना है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम अपने इसी में ही आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने इनहेरिटेंस में पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन का किस तरह से रोल होता है और किसको आप कैसे यूज करते हो। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स देखिए तो हमने एक क्लास बनाया है और उसमें क्या किया है इसको कॉल किया है, यानी कि इसको भी हम नया बना लेते हैं। चलिए नया बनाने की अपेक्षा एक काम करते हैं, एमईएम तो है, सॉरी बस इसमें हमें यूज करना है MM1, ठीक है MM1, ठीक है फ्रेंड्स सेव नहीं ये रहेगा ये भी ये रहेगा ये भी और MM1 हम इसको रखेंगे क्योंकि हमारा जो सेव हो रहा प्रोग्राम हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो हमने अपना एक क्लास बनाया है ए, इसके अंदर पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन का फीचर्स डाल दिया है, दूसरा क्लास है हमारा MM1 और एक्सटेंड कर लिया है हमने ए को। अब देखते हैं क्या इस तरह की चीज भी जिसमें हमने क्लास बनाया है उस मेन क्लास को जिसको हमने .java से सेव किया है, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्लियर कट हो रहा होगा MM1 Notepad की फाइल है जो हमारे पास मेन क्लास है और इसके अंदर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किए, कोई लाइन नहीं मेंशन की है, सिर्फ एक्सटेंड किया है ए को। एक्सटेंड ए को करने के बाद इसको हमने कर लिया है सेव, और क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? हाँ दोस्तों, अगर आपने इसमें कोई सेमी कोलन या किसी तरह की एरर नहीं आई होगी तो ये इजिली हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा और आप भी देखोगे कि ये हमारा इश्यूज बिना किए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखा देते हैं, नोट पैड इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये देखिए पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास हमने कहाँ डिफाइन किया था?
पेरेंट क्लास था हमारे पास नोटपैड में, हमने क्योंकि एक ही जगह पे फाइल बनाई है, ये मेंशन किया गया पेरेंट क्लास जो पेरेंट क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि इनहेरिटेंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो आप। आपके ये भी ध्यान दीजिएगा जिस क्लास को हमने डॉट एक्सटेंशन से सेव किया था, जावा एक्सटेंशन से सेव किया था, उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, फिर भी हमने अपने जो बेस क्लास है उसको कॉल कर लिया है। ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि जैसे ही आप इस तरह से कॉल करके बनाते हो मेन मेथड को ढूंढेगा ढूंढेगा, तो यहाँ से जंप करके जाएगा क्योंकि इनहेरिटेंस परफॉर्म किया गया है, इसलिए जंप करके ऊपर वाले में जाएगा क्लास में, और वहां से जो मेन मेथड है उसमें जाएगा, जाने के बाद एंट्री पॉइंट उसको कंपाइलर को मिल जाएगा और कंपाइलर प्रोग्राम को रन कराना चालू कर देगा। चलिए फ्रेंड इसी तरह से देखते हैं एक और चीज पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया है, इसको भी देख लेते हैं। प्रोग्राम सेव कर लेते हैं इसको भी हम .java से हमने एक और प्रोग्राम बना के सेव कर लिया। अब इसमें ध्यान देना है कि हमारे पास दो क्लास हैं, एक ए है और एक इनहेरिट, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो, हमने INHE लिख दिया इनहेरिट से, इनहेरिटेंस से मतलब था हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसके अंदर चाइल्ड मेंशन कर दिया गया और इसके अंदर भी एक हमारे पास पेरेंट क्लास है। तो अब क्या होता है इस केस में, जब हमारे पास दोनों ही इस तरह के कंटेंट अवेलेबल है, तो इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास पहले ही हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिल गया था, इसलिए वो ऊपर वाले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पास नहीं गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास पहले यहाँ पे ड्राइव क्लास है उसके अंदर मेन मिल जाएगा तो ऊपर वाले मेन को सर्च नहीं करेगा, अगर नीचे वाले मेन में हमारे पास कंटेंट नहीं अवेलेबल थी तो ऊपर वाले मेन में मूव करके जाएगा कि सर्च करेगा क्या जहाँ से ये हम इनहेरिटेंस परफॉर्म किए उस वाले क्लास के पास हम मेन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ऊपर वाले मेन पे बैठ जाएगा फिर इसको कॉल करेगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और एक छोटा सा वेरिएशन है, इसको भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है इसमें भी, एक लिटिल बिट मॉडिफिकेशन परफॉर्म किया गया है, उस मॉडिफिकेशन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सेम क्लास है कोई इश्यूज नहीं है। आइए इसको पहले देख लेते हैं इसमें वेरिएशन किया क्या गया है, फिर हम इस प्रोग्राम को भी रन कराते हैं। क्लास ए है, कंस्ट्रक्टर बना दिया गया और कंस्ट्रक्टर में हमने एक पेरेंट क्लास मेंशन कर दिया गया, यहाँ पे भी पेरेंट क्लास है और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से पेरेंट क्लास है। चलिए वेरिएशन के लिए हम कुछ और भी इसमें मेंशन कर देते हैं, इन मेन, इसमें हमने इन मेन और मेंशन कर दिया, अगर ये प्रिंट होगा इन मेन करके तो सही में आ जाएगा मेन का ये प्रिंट हो रहा है, नहीं तो फिर इसका कंटेंट। इसके बाद हम देखते हैं सेम क्लास में हमने इनहेरिट कर लिया है, इन्हीं वाले क्लास में इनहेरिट कर लिया है और हमने चाइल्ड क्लास को तो कॉल किया क्या है, ऑब्जेक्ट बन खाली और डिक्लेयर कर दिया है एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का मतलब है हम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या इसमें वेरिएशंस होते हैं, यानी कि हम अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो एक ये वाली लाइन तो प्रिंट होनी होनी है क्योंकि हम मेन में जाएंगे एंट्री करेंगे, और उसके बाद इस दूसरे मेन कंस्ट्रक्टर बना देने की वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो ऊपर वाल डिफाइन किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स चाइल्ड, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए, और इसको इधर मेंशन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा। ये देखिए चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास दोनों ही कंटेंट प्रिंट होके आए हुए हैं, और दोनों ही इसलिए प्रिंट होके आए हैं क्योंकि हमने जब कॉल किया था तो उस कॉल में हमारे पास क्या था, एक तो चाइल्ड क्लास ये वाला कंटेंट था जो हमारे पास मेन में आएगा ही आएगा कंपाइलर, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर के पास गया और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कंटेंट डिफाइन किए गए थे वो कॉल हो गए हैं। लेकिन ध्यान दिएगा इस वाले को हमने कॉल नहीं किया था,
अपने मेथड को जो मेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे इसका मेन कॉल नहीं हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा है किस तरह से हम वेरिएशंस इसमें अपने मेन के थ्रू कर सकते हैं और कैसे हम कॉल कर सकते हैं। हाँ आपने अगर इसके पेरेंट क्लास को कॉल करना और बहुत सारे और फीचर्स है तो हमारे ऑलरेडी हमने लेक्चर बना कर रखे हैं, आप उनमें विजिट कर सकते हो कि ये मेन मेथड को कैसे कॉल किया जा सकता है। उनको आप हमने लिंक अपने जो लेक्चर्स हैं तो नीचे मेंशन कर देंगे, आप उनको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूलिए कि आपको अगर हमारे बढ़िया बढ़िया और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं वो भी आपको विजिट कर पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप जब भी सब्सक्राइब करें तो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक को आप सब्सक्राइब कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता लाइक और सब्सक्राइब से। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम और थोड़ा सा इस पर मेहनत करें और अच्छे से वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू।